क्या भारत का सबसे गरीब स्टेट यूनाइटेड नेशंस के सामने भारत का नाम रोशन कर सकता है? करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करके देश को ओलंपिक मेडल जिता सकता है? बार बार नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकता है? ये है कहानी उड़ीसा की, जहां आज हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन शायद हम में से कई लोग ये बात जानते भी नहीं होंगे। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हॉकी स्टेडियम बनाने का रिकॉर्ड उड़ीसा ने और एज अ रिजल्ट भारत ने बनाया है। आज मुझे आपको उड़ीसा की कहानी सुनानी है, हॉकी की कहानी सुनानी है, बदलाव की कहानी सुनानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्टेट की, सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं, भारत की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, इसलिए थैंक यू। लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अगर हमारे वीडियोस ने आपको कभी कुछ मदद की है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, लोगों ने हॉकी देखना बंद क्यों किया? थोड़ा रिवाइंड करता है। ये है मेजर ध्यानचंद। गूगल कीजिए गॉड ऑफ हॉकी और आपको इनका नाम दिखेगा। 1928, 1932, 1936, तीन बार इन्होंने हमें ओलंपिक गोल्ड जिताया। इनफैक्ट उनकी एक कहानी बहुत फेमस है। हिटलर ने ध्यानचंद को खेलते हुए देखा और वो काफी इंप्रेस हुआ। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप और अपनी आर्मी में एक पोस्ट भी ऑफर की। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने भारत को नहीं छोड़ा। उनके बर्थडे को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ध्यानचंद हमारे देश के पहले स्पोर्ट्स हीरो थे, जब धोनी, सचिन, कपिल देव पैदा भी नहीं हुए थे। भारत ने 1928 से लेकर 1964 तक हॉकी में 7 ओलंपिक गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन फिर 1970s में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भारत हॉकी में एकदम से पीछे छूट गया। पहले हॉकी ग्रास पर खेला जाता था, लेकिन खेल को और फास्ट बनाने के लिए 1976 के बाद हॉकी टर्फ पर खेला जाने लगा। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ आकर सिंथेटिक टर्फ पर खेलना कंपलसरी किया। ये एक ग्राउंड बनाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है, और उस समय भारत के पास इतना पैसा था ही नहीं। हमारे ऑफिशियल्स ने इस मूव के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, यानी यहाँ के प्लेयर्स प्रैक्टिस ग्रास पर करते थे और अल्टीमेटली टर्फ पर जाकर खेलना पड़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं था। एज अ रिजल्ट भारत हॉकी में पीछे छूट गया। 1975 में भारत ने आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद एक भी बार नहीं। हॉकी में हमारा परफॉर्मेंस हर साल बुरा होता जा रहा था, और दूसरे खेलों में हम धीरे धीरे जीत रहे थे। हम विनर्स बनकर उभर रहे थे और ऑडियंस भारत को जीतते हुए देखना चाहती थी। हमारा ध्यान वही गया जहां हम जीत रहे थे, और हॉकी पीछे छूट गया। इनफैक्ट 2012 के ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने 12th पोजीशन पर, यानी लास्ट स्पॉट पर फिनिश किया। दिस वाज द डार्केस्ट मोमेंट फॉर इंडियन हॉकी। चैप्टर 2, उड़ीसा की डार्क हिस्ट्री। जैसे हॉकी का पास चैलेंजिंग रहा है, वैसे ही उड़ीसा का भी पास चैलेंजिंग रहा। उड़ीसा एक जमाने में भारत के सबसे गरीब स्टेट्स में से एक था। 29 अक्टूबर 1999 को 250 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं चलने लगी। उड़ीसा को साइक्लोन ने घेर लिया। इस एक साइक्लोन में 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 16 लाख घर बर्बाद हो गए। टोटल इकोनॉमिक लॉस 20,000 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन आज सिचुएशन पलट गई है। साइक्लोन्स अभी भी आते हैं, नुकसान अभी भी होता है, लेकिन एक बात बदल गई है। 2019 में जब फैनी साइक्लोन आया, तब वो भी डेवेस्टेटिंग था, लेकिन इसमें उड़ीसा में हुई फेटेलिटीज का नंबर 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 100 भी नहीं, सिर्फ 64 था। आई नो कि एक एक जान अनमोल है, लेकिन डेथ्स का नंबर 10,000 से घटाकर 64 तक नीचे लाना एक अचीवमेंट, और इसे यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रिशिएट किया है। ये पॉसिबल हुआ है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की एफर्ट्स की वजह से। इतिहास को जरा गौर से देखा जाए तो 1891 से लेकर 2021 तक उड़ीसा ने 100 से ज्यादा साइक्लोन्स का सामना किया। लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो कंडीशंस को समझता है, जो बातें अपने कंट्रोल में नहीं उनके बारे में सोचकर होप छोड़ता नहीं, लेकिन जो बातें अपने हाथ में हैं उनका इस्तेमाल करके मुसीबतों का डटकर सामना करता है। उड़ीसा की डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस कुछ ऐसी ही। उड़ीसा का डिजास्टर रिस्पांस 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, प्रेपरेशन, एक्शन और प्रॉम्प्ट रिएक्शन। प्रेपरेशन यानी साइक्लोन आने से एक हफ्ता पहले ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये समझा जाता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है। एक्शन यानी अफेक्टेड एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, सेफ एरियाज में रिलोकेट किया जाता है, मछुआरों को वार्निंग दी जाती है कि अब समंदर में ना जाएं। प्रॉम्प्ट रिएक्शन, जब साइक्लोन आता है तो सीएम खुद डिजास्टर को मॉनिटर करते हैं और जल्द से जल्द अफेक्टेड एरियाज में रिलीफ यानी मदद पहुंचाते हैं। ऑफ कोर्स साइक्लोन का इकोनॉमिक इंपैक्ट आज भी होता है, लेकिन 1999 से उड़ीसा आज बहुत आगे निकल गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी उड़ीसा के इस मॉडल की तारीफ की है, और साइक्लोन्स और टोर्नेडोज जहां आते हैं वैसे एरियाज को उड़ीसा से सीखने के लिए कहा है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात। चैप्टर 3, उड़ीसा और हॉकी का कनेक्शन।
अब ओडिशा और हॉकी का क्या कनेक्शन है? ओडिशा ने हॉकी को एज अ स्पोर्ट अडॉप्ट किया। आपने आईपीएल के बारे में सुना होगा, वैसे ही हॉकी इंडिया लीग भी होता है। इस लीग में ओडिशा स्टेट ने कलिंगा लैंसर्स नाम की एक टीम खरीद ली। 2018 तक सहारा हॉकी को सहारा यानी स्पॉन्सरशिप देता था, लेकिन 2018 के बाद ये डील खत्म हो गई। कोई भी प्राइवेट कंपनी हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं थी। तब ओडिशा ने एज अ स्टेट इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया और सीधा 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया। 2018 में पहली बार भुवनेश्वर ने हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया और इस साल फिर से ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। ओडिशा ने ये समझा कि भारत हॉकी में पीछे इसलिए छूट रहा है क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उन्होंने भारत के स्पोर्ट्स के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। 260 करोड़ रुपए खर्च करके दुनिया का सबसे हाईएस्ट सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम रौरकेला में बनाया। एट द सेम टाइम 21 नए सिंथेटिक ट्रेनिंग टर्फ बनाए, जिनमें से 5 रौरकेला में ही है, जिससे ग्रास रूट लेवल पे खेल को प्रमोट होने में मदद। टाटा के साथ मिलकर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च करके भुवनेश्वर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, जहां हॉकी के साथ साथ स्विमिंग, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स भी खेले जा सके। रिजल्ट, टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस टीम ने 41 सालों बाद एक मेडल लाया। इसमें क्रेडिट हमारे प्लेयर्स के हार्ड वर्क के साथ साथ उन्हें दिए जाने वाले सपोर्ट का भी है। विमेन्स हॉकी टीम भी 4th रैंक पर आई। ये साइंस है कि भारत का हॉकी सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जस्ट कुछ दिनों पहले हमने हमारी लाइफ का पहला लाइव हॉकी मैच देखा एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि स्टेडियम फैन से खचा खच भरा हुआ था। गोल जाने पर लोग चीयर कर रहे थे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। छोटे बच्चों को इंडिया का फ्लैग पकड़े देखकर लगने लगा कि हॉकी का डार्केस्ट पीरियड अब खत्म हो रहा है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। तो हम ये कहानी क्यों बता रहे हैं? क्या हमें उड़ीसा सरकार ने पैसे दिए हैं उनकी तारीफ करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आज की कहानी स्पेशल इसलिए है क्योंकि उड़ीसा ने अंडरडॉग्स की वैल्यू समझी। उड़ीसा एज अ स्टेट खुद अंडरडॉग। यहाँ ऐसे कई फील्ड्स हैं जहाँ डेवलपमेंट होना बाकी है, लेकिन ओडिशा खुद की पोटेंशियल जानता है और उसी तरह ओडिशा भारत की पोटेंशियल जानता है। इसीलिए हॉकी की तरह ओडिशा और स्पोर्ट्स को भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है, जैसे कि खो खो। ओडिशा ने अल्टीमेट खो खो लीग में भी एक टीम खरीदी और रग्बी, स्विमिंग, फुटबॉल जैसे खेलों में भी इन्वेस्ट कर रहा है। आज ओडिशा प्राउडली भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल बन चुका। एक ऐसा स्टेट जो नेचुरल डिसएडवांटेजेस की वजह से पीछे छूट रहा था, वो आज भारत को मेडल दिलाने जा रहा है। अगर भारत का हर स्टेट एक एक स्पोर्ट को अडॉप्ट करने लगा तो हो सकता है कि आज जैसे हम क्रिकेट में एक सुपर पावर बन चुके हैं, वैसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ पाए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ओडिशा एक खेल में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो हम फ्री में उनके मैचेस टीवी पर देखकर उन्हें सपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं, उनका हौसला तो जरूर बढ़ा सकते हैं, चक दे इंडिया जरूर कह सकते हैं। एक जमाना था जब हॉकी एक डिजास्टर था, एक जमाना था जब ओडिशा एक डिजास्टर से गुजर रहा था, लेकिन ये जमाना अब गुजर चुका, क्योंकि ओडिशा और हॉकी की ये कहानी हमारे लिए स्पेशल, क्योंकि ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती है कि भारत का गुजरा हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, भारत का आने वाला कल मेडल से चमकने वाला है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।